प्रणाम, हम बानी रामचंद्र यादव और वह सब देख रहा बानी प्लानेट भोजपुरी। आज हमारे साथ बानी भोजपुरी सिनेमा में नई सनसनी के रूप में एंट्री कर रहा बानी अर्चना शर्मा जी। आज इनका से बात कर जाए और जानल जाए के तरह से इनकर भोजपुरी सिनेमा में एंट्री भेल बा। अर्चना जी, आपका प्लानेट भोजपुरी में स्वागत बा। नमस्ते, सभी प्लानेट भोजपुरी दर्शकों को हमार नमस्कार प्रणाम। हम बेसिकली साउथ से, साउथ में हमार जन्म भेल और हमार मॉम एंड डैड जो हैं वो बिहार के ही हैं, बिहार के हाजीपुर से वो बिलोंग करते हैं। तो मतलब बचपन से हम महुआ चैनल, गंगा चैनल ये सब देखते ही बड़े हुए, तो भोजपुरी हम सुनते रहते थे हमेशा हमेशा, हमारे कानों में भोजपुरी पड़ती रहती थी। लेकिन जब हम बाहर जाते थे स्कूल कॉलेज तो हम तमिल, कन्नड़ा ये सब बातें करना शुरू कर दिया और हमारी इंग्लिश में पढ़ाई हुई, तो मतलब भोजपुरी कानों में पड़ती थी और हम वैसे ही भोजपुरी सुनते थे। लेकिन कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम कभी भोजपुरी सिनेमा से जुड़ेंगे या फिर भोजपुरी फिल्म में काम करेंगे। तो ये बस भगवान का एक कुदरती करिश्मा ही कह सकते हैं कि मुझे मौका मिला कि मैं अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा से जुड़ी। मैं कहीं दक्षिण में रही थी, वहाँ पली बड़ी, और अचानक से मुझे नॉर्थ में ये चांस मिला। तो मैं तो इसको सिर्फ कुदरत का करिश्मा मानूंगी और बहुत बहुत बड़ा मिरेकल है ये मेरे लाइफ में। जिस दिन मैंने अपनी मॉम डैड को ये न्यूज़ दिया कि मैं भोजपुरी फिल्म साइन की हूँ, उनको बिल्कुल मतलब उनका होशो हवास वो खो बैठे, वो इतने सरप्राइज हो गए, वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते थे। क्योंकि मैं मतलब पूरा हमारा जन्म, हमारा पालन पोषण सब कुछ साउथ में हुआ और अचानक से मेरा नॉर्थ में एंट्री हुआ भोजपुरी फिल्म से। तो इसको मैं सिर्फ कुदरत का करिश्मा मानूंगी और भगवान को तहे दिल से थैंक यू कहूंगी। पहली फिल्म भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ काम करने का मौका मिला, क्या कहचा? निरहुआ जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो जैसे ही मैंने उनके बारे में गूगल किया या फिर उनकी फिल्में देखी, मुझे पता चला कि वो इतने बड़े स्टार हैं यहाँ के, मतलब शाहरुख खान या साउथ के रजनीकांत जैसे हैं वैसे वो यहाँ के सुपरस्टार माने जाते हैं। तो मेरी एंट्री हुई उनके साथ और मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो ये बात मेरे लिए खुश नसीबी ही नहीं, मैं कहूँगी कि मैंने कुछ इतने अच्छे कर्म किए होंगे या फिर इतना अच्छा मैंने मतलब काम किया होगा कि भगवान ने मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट दी। और उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो उनकी एक्टिंग मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, मुझे लगता है उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ हिम। प्लैनेट भोजपुरी।